टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? और गाइस, पता है आज मेरे चोट लग गई। देखना कितनी पूरा बुरी तरह नाखून लगी ही है। कट पूरा गया। अंदर तक नेल जो है कट गया मेरा, अंदर तक टूट गया पूरा। पता बहुत नहीं दर्द कौन है, कौन सी चोटें मार रही हैं ये हमारे पीठ पीछे। बहुत ज्यादा। बट इन्हें कोई वैसे नहीं, अपने नेल्स से इतना प्यार था, भी कुछ दिन पहले इन्होंने मेरे नेल्स मारे थे, तो मैं यही बोल रहा था और कि मैंने करी तुम्हारे नेल पेंट सारे लगाई नेल्स काट। थी हाँ, रात में बैठ के लगाई थी मेरे सोने दो के बजे बाद, दो बजे लगाई थी मैंने, रात को नेल पेंट और क्योंकि सुबह ही। सोने का तो ऐसा शेड्यूल बिगड़ गया है दोस्तों। अभ्युक्त अब रात में फिर बिल्कुल से भी नहीं दुखी सोता, करने फिर से वैसा लगा स्टार्टिंग में जैसा था इसका, कि मतलब जगा रहता था बस वही सा इनका शेड्यूल स्टार्ट हो गया है। तो अब तो नींद का तो कुछ पता ही नहीं है यार कि लड़का। हाथ कब में आती बहुत है। दर्द हो रहा है मेरे इस टाइम। तो हमने सोचा आज हम लोग मूवी जा रहे हैं, आज हमारा मूवी का प्लान है। तो हमने सोचा अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, फिर हैंड टू हैंड बताने होता है एंड टाइम पे। तो हमने सोचा अभी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बाकी मैंने अभी अपनी नीनी को सुलाया है। मूवी भी हम बहुत टाइम बाद जा रहे हैं। हम रूही देखने गए थे अभी लास्ट मूवी, जब रूही लगी थी, बट वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी, वो भी जब राजकुमार से राव की ही अभ्युक्त हुआ थी। है, जब से हम कोई मूवी नहीं गए। हाँ नहीं अभियुक्त। तो फिलहाल तो गाइस यार इवनिंग में हम मूवी जाना है मिगलानी में मूवी टाइम्स में, और कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं वो आपको आगे पता शाम चलेगा, को ही पता चलेगा जब हम वहां पर जाएंगे। तो तो इस ये ब्लॉग मूवी को का हमारा कंटिन्यू ऐसा रहेगा है तभी कि पता मतलब चलेगा। मूवी टाइम्स मेरा दोस्त काम करता है आदित्य बजाज, वहां पे जाके आपको उससे भी मिलवाएंगे, तो उसी की साइज से आज ट्रीट है हमारी, ट्रीट समझ लीजिए। शाम को जाके आपको बताएंगे कि आप कौन सी मूवी जा रहे हैं और मूवी कैसी लगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा मूवी का, वो भी आपके संग में शेयर करेंगे। बाकी आप कंटिन्यू बने रहिएगा पूरा ब्लॉग। आज हम फर्स्ट टाइम मूवी, मतलब फर्स्ट टाइम अभियुक्त को लेके मूवी जाने वाले हैं। आज अभियुक्त भी मूवी जाएगा देखने के लिए। अभी तो अपनी फर्स्ट मूवी देखने जाएंगे हाँ, आज। तो बस भगवान से प्रे ये कर रही हूँ कि परेशान ना करे वहां पे। मतलब ऐसे रोता नहीं है ये, मेरे पास होता तो नहीं रोता, बट बट अब कुछ कोशिश पता नहीं यही है, है कि बाहर ना जाने रोए। के बाद ही थोड़ा परेशान करना एक्स्ट्रा अभी ही एक्स्ट्रा स्टार्ट कर देता है। तो सुलाया है मैंने इन्हें, अभी बिल्कुल अभी सोए अभी हैं तो इन्होंने सो गए हैं बच्चे। ये। और पता है जब से इसमें जब सुबह से चोट लगी है, बार बार अब इसी उंगली में मेरी चोट लगे जा रही है। कभी कुछ और सामान इसमें अभियुक्त लग इस जा टाइम रहा है। इसलिए और परेशान कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके दांत निकल रहे हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया है ये, सो थोड़ा कुछ ज्यादा ही परेशान करने और लगा है। हाँ गाइस, अगर आपका बच्चा छोटा है या फिर उसके दांत निकलने स्टार्ट हो गए हैं या निकलने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको पता करना है कि मैं अब उसके साथ क्या क्या, उसे कैसे ट्रीट कर रही हूँ उस टाइम पे, उसके दांतों के लिए उसे क्या क्या दे रही हूँ उस टाइम पे, लूज मोशन हो जाते हैं तो मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ, तो आप करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट पे एक वीडियो करके बना दूंगी। थोड़ा तो बाकी अभी थोड़ी देर हम भी सो लेते हैं। हम भी आराम कर लेते हैं, क्योंकि रात में भी हम ऑलमोस्ट अब रात को ऐसे ही हो रहा है कि 3 से 2 बजे ये तो नॉर्मल सो जाते हैं नहीं पूरी रात वही है थोड़ा थोड़ी अभियुक्त, देर से, लेकिन बीच बीच में बट उठता रहता है तो मैं, जगना मेरा क्या पड़ता होता है। है, अच्छा होता क्या है कि चलो ये एक बार को संभाल भी लिया अभियुक्त को, बट वो बट ये मेरे को मेरे दिन नहीं पास रुकता छोड़ता। नहीं है। अगर रूम में अगर हिना को अगर बाहर कहीं किसी काम से जाना है, मतलब क्या नीचे पानी लेने चलेगी, बॉटल अगर पानी के नीचे लेने भी चलेगी, तो भाई ये रो रो के इतना सांस बुरा रोक हाल कर लेता देता है, है, मैं इतनी बड़ी तेज पागल तेज हो जाता। रोता मैं तो है डर जाता हूँ बिल्कुल। कि भाई क्या हो गया उसको, क्या नहीं हो गया, तो मेरे पास इतना नहीं रुक पाता। तो अब क्या कर सकते हैं भैया, अब वो अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है, लगाव रहता है, क्योंकि पूरा टाइम ही नहीं रहती उसके साथ में। अब देखो आवाजें कर रहे हैं, आवाजें सोते हुए रात में सोएगा नहीं, करेगा भी पूरी रात सोता बहुत नहीं है, ये शैतान हो हरकतें गया, करता बहुत है। शैतान हो गया, और अब बहुत तो जब ज्यादा। से ये बैठने लगा है तो इतना डर लगता है, बेड पे कभी भी नीचे उसे रख जाता है, लगता है गिर ना जाए, तो और ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। रात में कई बार होता है ये रोता नहीं है, बस उठ के बैठ जाता है, तो भी मैं नहीं सो पाती कि मेरे डर लगता है कहीं बेड से नीचे ना टपक जाए महाराज, और टपकेंगे तो फिर चोट लगेगी, तो और यार और रूम ध्यान। का हमने अभी आपको दिखाया था, रूम टूर हाँ, करवाया था, और बट हमने अभी बोला था कि हम अभी अभी जुलाई में ही बहुत ठीक जल्दी करवा आएंगे, लेंगे, बट अभी रूम का थोड़ा हमारा आगे डिले पहुंच कर गया है, दिया क्योंकि हमने। अभी इस टाइम थोड़ा गाइस रेन का थोड़ा मौसम है, बारिश बारिश का, तो उसमें सीलन वीलन का कुछ ज्यादा ही रहता है। तो हमने सोचा कि ये जुलाई खत्म हो जाएगी, फिर अगस्त में करवाएंगे अगर बारिश ना हो, क्योंकि अगस्त बारिश तो यार स्टार्टिंग या बारिश एंड, क्योंकि बारिश मुझे लगता था कि इस महीने बहुत ज्यादा बट पड़ेगी, हो ही नहीं और रही। वेदर में रिपोर्ट में भी देखा था, बट बारिश कुछ पड़ी नहीं है यार, बादल आते चले जाते हैं। तो देखते हैं आगे जुलाई का। मतलब अभी कुल मिला के हमने भी डिले कर दिया है अपने रूम का, जो भी हमने सोचा था सब कुछ, पेंट वगैरह बट भी हमने जल्दी से डिले कर करवाएंगे दिया। अगस्त में, आई थिंक अगस्त में करवा लेंगे, तो नेक्स्ट मंथ आपको इसका नेक्स्ट होम मंथ दोबारा आपको। से मिलेगा रूम टू, बट अभी जब तक नहीं हो रहा तब तक थोड़ा वेट है, क्योंकि बारिश की वजह से खराब हो जाएगा, फायदा नहीं है, सबने मना कर दिया अभी। क्योंकि सीलन के चक्कर में ये आप देख रहे हैं पीछे, ये सब कुछ हट चुका है यार ये। अब बिल्कुल सही करवाना है रूम को, बहुत टाइम से चल रहा था, बट वही बारिश के चक्कर में थोड़ा डिले हो गया, बट अगस्त में सही करवाएंगे, बढ़िया करवाएंगे एकदम रूम। तो फिलहाल तो गाइस शाम को मिलते हैं आप लोगों से, थोड़ा देर जरा अभियुक्त भी सो गया तो आराम कर लेते हैं, शाम को आपसे मिलते हैं, और कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं वो भी शाम को आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो गाइस
प्लीज इस ब्लॉग में बने रहिएगा आखिर तक, मिलते हैं थोड़ी मिलते देर हैं आपसे शाम में। गुड इवनिंग गाइस, उठ तेज की नींद आ रही थी बट पति देव ने उठाया, 5 बज गए, उठ जाओ। ये भी उठ गई हमारी औलाद, जय करो जय करो जय करो, हाँ करो 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 जय करो जय। जाओगे इनकी भी, चलते हैं नीचे चाय वाय का देखते हैं, खाना जो बनना है वो देखते हैं क्या बनेगा, सारी तैयारी करके चलते हैं फिर मूवी। तो फटाफट पहले चलते हैं नीचे, उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब रेडी होते हैं। ओके तो गाइज, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, पतिदेव भी रेडी हो गए हैं और अभियुक्त भी रेडी हो गया है, अब फटाफट चलते हैं। 6:15 हो चुका है ऑलरेडी और हमारा शायद 7:15 का शो है, तो 6:15 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो फटाफट चलते हैं निकलते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं लेडी हो के, तो भी लगा के बैठे हैं ये तो, आज पहली बार मूवी जा रहे हैं हमारे अभी डूम हो गए। तो गाइस फटाफट चलते हैं, लेट नहीं करते। पतिदेव हो गए रेडी, ये नए कपड़े पहने आज तो, क्या बात है। हाँ चल रहे हैं, चलो चलो, इन्हें मत लेके जाना, इन्हें नहीं लेके जाए, ये फिर तुम हो। आज पतिदेव जम रहे हैं नए नए कपड़े पहन के, हमेशा ही लगता है। अच्छा जी, पहुंच गए थे मूवी टाइम, तो हम मूवी देखने आए हैं द फर्स्ट केस, जो कि आज ही रिलीज हुई है, राजकुमार राव की है और अभियुक्त भी आया है, और अभियुक्त की आज हमारी पहली मूवी है, तो अभियुक्त भी पूरे रात पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए आया है, कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हुए आया। तो गाइस अंदर चलते हैं और आदित्य की तरफ से ये ट्रीट है पहली हमारे भाई ने, तो अंदर जाके उससे भी मिलवाते हैं और चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं आपको। झूले बेटे अभियुक्त, लो जी लो अभियुक्त के लिए हमारे झूले भी आ गए, चलो बैठो। अबे अबे अभियुक्त 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 देखियो देखना, अरे अरे अभियुक्त नोनी नोनी चलो हिलो नोनी, क्या कर रही हो अरे भैया, अभी देखना सही है ये, इसे बैठाना अभी, पकड़ लेना आप नीचे से पकड़ना, इसे छोटी वाली में बैठाओ, अली छोड़ दो, गिरेगा थोड़ी, छोड़ो नीचे पकड़ो आप नीचे, इसे बैठ बहुत बढ़िया है, झूले वगैरह सब कुछ है। फिलहाल देखते हैं आदित्य भैया कहाँ पे हैं। तो मिल गए आदित्य भैया भी हमें, नोनी चाचू चाचू हेलो कर लो चाचू को, हमारी मूवी है और मूवी हमारी 7:30 बजे तक शुरू होगी, तो आदित्य भाई के साइड से आज ट्रीट है भाई, सो आज पहली बार ही दी होगी किसी चीज की ट्रीट हमारे भाई ने। सो गाइस बस वेट है, जल्दी से मूवी स्टार्ट हो, और मूवी का नाम है द फर्स्ट केस, इसमें राजकुमार राव की, और आज ही रिलीज हुई है गाइस, सो अभी दिखाते हैं फिर अंदर। आप तो वेट ही कर रहे हैं क्योंकि अभी हम थोड़ा जल्दी आ गए थे और मैंने बताया था 7:15 का शो है, तो अभी थोड़ा वेट ही कर रहे हैं, तो हम बैठे हुए हैं अभी, अपने पापा के पास भी नहीं जा रहे हैं, जबरदस्ती दिया है फोन में देख रहे हैं तो रुक गए हैं, वरना रुक ही नहीं रहे हैं। आज मेरा हेयर स्टाइल कुछ खराब सा लग रहा है क्या, मुझे लग रहा है आज बहुत ठीक नहीं बना थोड़ा, क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया, मुझे लगा लेट हो रहा है, तो मैंने जल्दी जल्दी बनाया था, वही उठने के लिए तैयार हो गए, एंट्री स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी से चलते हैं अंदर।
हाँ अभी क्या अभी क्या अभी नहीं इंटरनल तो चलते हैं गाइस अंदर पे दिखाते हैं आपको। आओ भी आओ छोटू जी। तो गाइस बहुत टाइम बाद आया मूवी देखने ही यार। पहली लास्ट में मूवी देखी थी रूही देखनी मूवी राजकुमार राव की थी। फिलहाल तो अंदर पहुंच गए हैं गाइस। सीट नंबर क्या है अपना? चलो भाई अंजू अभी रेडी हो? अरे ये कोई खेलने की जगह है? पीछे वाली सीट है हमें और अभी थ्रीडी फर्स्ट मूवी देखने के लिए। चुप 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 मुझे ज्यादा एक्साइटेड है। ट्रांसजेंडर ये अपने ये आई डोंट लाइक देयर काउंटर पार्ट्स एज देयर इंडियंस कंसीडर देम सीक्रेट। सस्पेंसिबल है, सस्पेंसिबल मूवी है और अभी तुम्हारे सो चुके हैं, मूवी हो गया तो स्नैक्स आ चुके हैं हमारे। और अभी ने तो यार आने के साथ ही बस आराम से एकदम सो गया। बस आराम से चिल आउट कर रहा है। पहले तो मूवी देख देख के बस कैसी लग रही है मूवी? मूवी मस्त भैया सो रहे हैं। इन्हें बोरिंग भी लग रही है, इंटरेस्टिंग भी लग रही है। बस गाइस एंजॉय करते हैं मूवी। फिलहाल तो अभी स्नैक्स एंजॉय करते हैं। मिलता है कि हमारी पहचान कोई कभी भूल ना पाए, बट इन द एंड द ग्राइंड इज वर्थ इट। देखिए मेरे और उषा वेट ग्राइंडर के साथ ऐसे ही एक बेटर बैटर मिताली राज की कहानी। तो खत्म हो गई, अब चलते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे एंड उसके बाद घर जाएंगे। लेकिन मूवी तो अच्छी थी, पूरी सस्पेंस में थी, मजा आ गया। पूरी मूवी आपको नहीं दिखा सकते इसे वरना कॉपीराइट आ जाता है। तो फिलहाल चलते हैं, पूरी ऑडी खाली हो चुकी है। अब मिगलानी वाकई में अच्छा हो गया मूवी टाइम्स। अभी तब गया है अपने पापा के पास तो मैं सोचू एक आध पिक क्लिक करवा लूं। बगल के बैठे पापा ये तो बोल रहे थे यही लेकर आएंगे इसके लिए। फोटो लो इसकी। इसकी फोटो है नहीं, अब तो सही से बैठा है ना बस। अरे गाइस मूवी लिटरली बहुत ही ज्यादा ऑसम है और बहुत ज्यादा सस्पेंसफुल मूवी है, जैसे कि मैंने आपको इंटरवल में बताया था। बट अब और इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि इतना सस्पेंस है तो एक में तो क्लियर हो नहीं पाया। बट जो मूवी का था, मूवी का नाम था द फर्स्ट केस, तो सेकंड पार्ट में आई होप द सेकंड केस आएगा क्योंकि इसमें जितना भी सस्पेंस था एक इसमें मिसिंग स्टोरी होती है जो कि जो उसका मैं आपको बता दूंगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बट तो आप खुद जाकर देखिए मूवी, इंजॉय करेंगे। सस्पेंस बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया मूवी है। लिटरली मुझे तो बहुत पसंद आई है गाइस मूवी यार। सो यू गो एंड एंजॉय। चल रही है अभी भी ये घोड़े पे था, घोड़े पे एंजॉय कर रहे हैं। चलो भी जल्दी से चलो, अब चलते हैं कुछ खाने बाहर। आज बाहर डिनर करेंगे क्योंकि घर पे हम लोग मना कराए थे, हम लोग मना करके आए थे कि आज हम घर पे ही खाएंगे कुछ। तो चलते हैं बाहर डिनर करने। फाइनली बहुत ज्यादा मजा आ गया है जी, मजा आया ना, मजा आ गया। मूवी अच्छी थी, मूवी बहुत। बट अभी इसका एक पार्ट और आएगा क्योंकि अभी इसमें सस्पेंस रह गया है एंड में। बता दिया वो मैंने। अच्छा बता दिया, बता दिया हर चीज को बता दिया। अभियुक्त
मजा आई क्या? अभी तो आधी मूवी में सो गए थे, बट उसके बाद उठने के बाद हमारे बेटे ने हमारे बिल्कुल भी परेशान नहीं करा। मतलब ऐसा होता है ना गाइस, ऐसा होता है कि छोटे बच्चों के संग में लोग घबराते हैं मूवी देखने जाने में, बट सीरियसली हमारा बच्चा इतना प्यारा है कि पूरी मूवी इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। वरना आगे के पीछे के लोग जो होते हैं वो यही बोलते हैं बच्चों के संग में कि अरे यार प्लीज अपने बच्चे को चुप कराओ ना, लेकिन हमारा बच्चा इतना प्यारा है, थोड़ी देर उसने मूवी देखी स्टार्टिंग में, ठीक है, एंड उसके बाद में ये सो गया। फिर उसके बाद में जब ये उठा तो इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया, आराम से खेलता रहा, लोग देख रहे हैं पीछे, फिर आराम से ये खेलता रहा। मतलब कुल मिला के मेरे बच्चे ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, आराम से मूवी देखनी थी। बल्कि घर पे सब लोग पता है बोल भी रहे थे, घर पे सब लोग बोल रहे थे कि लेके तो जा रहे हो, आधी मूवी से भागना पड़ेगा, ये रोएगा। साहिल भैया बोल रहे थे मेरे देवर की इसे घर पे ही छोड़ जाओ, भाभी परेशान करेगा। तो गाइस अभी पहले चलते हैं कुछ खाने, तो वहाँ मिलते हैं आपसे। गाइस अगर बहुत तेज धूप लगने लगी थी तो हम तो वहीं आते हैं, महिंद्रा ही आते हैं, मोस्टली खाना वाना खाने तो वहीं आ रखे थे, और धूप बहुत तेज लग रही है यार गाइस। तो आदित्य भाई भी साथ में है हमारे, एक ट्रीट आदित्य भाई की साइड से, एक हमारी साइड से डिनर की, आज साथ ही डिनर करेंगे। तो फिलहाल तो हमने ऑर्डर कर दिया है, बस आने वाला है खाना। और मूवी काफ़ी लंबी थी, 3 घंटे की मूवी थी। मोस्टली आज के टाइम में ऐसा होता है कि मूवी इतनी लंबी होती नहीं है, बट 3 घंटे की मूवी थी और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला गाइस। तो फिलहाल जो ऑर्डर करते हैं, खाना आता है फिर खाते हैं, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया। इस टाइम हम महिंद्रा में ओवर कम करते हैं, मोस्टली ऐसा होता है अगर डिनर करने का बाहर होता है तो 7 से 7:30 या 8, बट आज हमें बच चुके हैं 10 बज गए, तो और लेकिन हमेशा इतना क्राउड आज भी आज भी है हमेशा की तरह, क्योंकि यहाँ का खाना ही बेस्ट होता है। तो फिलहाल तो जल्दी से खाना खाते हैं फिर चलते हैं। मस्ती चल रही है इनकी, मस्ती रुकी नहीं है बिल्कुल भी, मूवी से लेके यहाँ तक सब जगह इनकी मस्ती चल रही है गंजूराम की। परेशान करना शुरू हो रहा है थोड़ा सा, लास्ट टाइम जो महिंद्रा में आके करा था कहीं कोई कर रहा है। उस खाने का वेट कर रहे हैं, जल्दी से खाना है फिर खाना खाते हैं फिर घर जाते हैं। नोनी नोनी हेलो करी तुमने आज, हेलो करी बस करो नोनी देखना पापा पापा खा रहे हैं, आपको नहीं पूछ रहे हैं। खाना फिनिश हो चुका है, मैंने खा लिया था, अभी रो रहा था तो मैं जल्दी उठ गई, बट मैंने भी पेट भर लिया अपना। तो फटाफट चलते हैं घर, क्योंकि अब परेशान करने लगा, गर्मी यहाँ पे हो रही है। चलो 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 बाय कर दो।